लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। देश के हरियाणा के अनुई जिले के मरोड़ा गांव के लोग ट्रंप का इंतजार कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां के लोग अमेरिका के राष्ट्रपति का इतने बेसब्री से क्यों इंतजार कर रहे हैं। दरअसल लोगों का कहना है कि काश अगर ट्रंप उनके गांव में भी आ जाएं तो उनकी किस्मत बदल जाए। दरअसल नू के मरोड़ा गांव को सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2017 में गोद लिया था। संस्था ने गांव का नाम बदलकर ट्रंप ग्राम रख दिया और घर घर में सुलभ शौचालय बनवाए, लेकिन इन शौचालयों में पानी नहीं है। लोग कहते हैं कि शौचालय बन गए, ट्रंप गांव आ जाए तो पानी भी आ जाए, इसलिए रखा गया था इस गांव का नाम ट्रंप मरोड़ा गांव। में 125 घरों में से करीब 7 घरों में ही शौचालय बने हुए थे। ग्रामीण हाईवे पार कर हाथ में लोटा बोतल लेकर खुले में शौच के लिए जाते थे। संस्था ने गांव में 95 शौचालय बनवाए और इसे गोद लिया। सुलभ संस्था के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने बताया कि अमेरिका दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े पुनीत अहलुवालिया से मुलाकात के दौरान एक गांव गोद लेने बारे में कहा, साथ ही उस गांव का नाम ट्रंप रखने का सुझाव दिया। पुनीत अहलुवालिया ने मरोड़ा गांव का दौरा भी किया था। यहां की महिलाओं और लड़कियों ने 2017 में रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए उनकी फोटो वाली करीब 1500 राखियां भी भेजी थी। लोगों को शौचालय में पानी साथ लेकर चलना पड़ता है। इस असुविधा के कारण कई शौचालय गंदे से अट्टे पड़े हैं तो कई कुंडी व ताले लगे बंद रहते हैं। यहाँ खुला सिलाई सेंटर भी करीब एक वर्ष से बंद पड़ा है। गांव के साबिद आलम का कहना है कि मुझे तो यह सब एक नौटंकी लगती है। मुझे नहीं लगता कि हमारे पीएम ने हमारे गांव के बारे में भी सुना है, ट्रंप को कैसे पता चलेगा। वहीं अकील का कहना है कि इस बार ट्रंप को यहां आकर हमसे मिलना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे उसका नाम कीचड़ में खींचा जा रहा है।